हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। और ये देखिए, ये चोली और घेरा हमने पहले से बनाया हुआ है। ये मैंने इस वीडियो में इसके बना करके दिखाया है। और चलिए देखते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 3-4 नंबर कान्हा जी की चोली और सिंपल घेरा बना हुआ है। देखिए इस तरीके का ये मैंने बना लिया है। तो देखिए, ये हमारा घेरा बना हुआ है वाइट कलर की। उनको हम यहाँ पे काट के अलग कर देंगे। जो फर्स्ट चेन है यहीं पे ग्रीन कलर ऐड करेंगे। देखिए, और यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, 5 चेन बनाई तो 3 चेन तो हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, और 2 चेन हम ये वी शेप बनाएंगे तो उसके लिए हैं। तो देखिए, यहीं पे हम ऐसे, ये हमारा ऐसे बन गया 3 की चेन। ये डबल क्रोशिया की हाइट की 2 चेन हमें बनानी है। धागा लेंगे, नीचे हमें 2 चेन स्किप करनी है। तो देखिए, हमने इसकी चेन में बनाया है 1 और 2। थर्ड चेन में जा करके एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में। तो देखिए, इस तरीके से हमारे हमारा जो आगे वर्क होगा कि 1, 2 और 3rd चेन में जाकर के डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी में डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें ये वाला राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और देखिए, मैंने यहाँ पे 3 चेन स्किप करी है। जो ये जो हमारी 3 की जो चेन थी, इसमें जा करके स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, मैंने ये काउंट कर लिए हैं और ये मेरे 38 वी स्टिच हैं, 38। और इसी तरीके से हमें इवन नंबर में रखने हैं, 30, 32, 34, 36, 38, 40, इस तरीके से 28, 26 इवन नंबर के होने चाहिए। देखिए, हमने फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन कर लिया। अब धागा लेंगे और नेक्स्ट वी में देखिए, इसमें तो हमने सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन किया है, और अगले वाले में इसीलिए हमें इवन चाहिए क्योंकि एक फ्लावर के लिए हमें 2 यूज़ होंगे, 2 वी। तो एक में सिंगल क्रोशिया कर लिया, नेक्स्ट वी में गई और पहला वाला डबल क्रोशिया लिया। इसमें हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। और देखिए, 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने यहाँ पे। देखिए, 2, 4 और 1, 5 से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये वाइट लिया है, वी बनाया है, जहाँ पे वाइट की जो चेन है वहाँ पे हम जा करके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे, अब देखिए वी का ये वाला स्टिच जो है, सेकंड वाला, यहाँ पे भी हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 5, तो हमने यहाँ पे टोटल 12 स्टिच बनाए हैं डबल क्रोशिया, 12, 5 इधर 2 बीच में और 2 इधर 5 इधर सॉरी। तो देखिए, आगे का जो नेक्स्ट वी है, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, और फिर से यही रिपीट करेंगे। धागा लिया और यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हमें यहाँ करने हैं और 5 यहाँ पर करने हैं, और सेकेंड में जा करके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो मैं इस तरीके का राउंड अपना कंप्लीट कर लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये सारी पत्तियाँ बन गई हैं। देखिए बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। देखिए देखिए ये जो वी है, देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पर हमें इसको ऐसे स्लिप स्टिच करके था, एक में सिंगल क्रोशिया रखा है तो यहाँ पे लेकर के स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेके धागा कट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको फ्लावर बनाने हो रेड कलर के या येलो कलर के, जिस भी कलर से बनाने हो वैसे बनाएंगे हम, तो मैं येलो कलर की बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो सिंगल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए पीछे की तरफ से ऐसे लेंगे और एक नॉट लगाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर ली। देखिए एक दो तीन और ये चार, चार चेन ली हमने, और ये जो है, ये जो हमारी पत्तियाँ हैं इसके बीच में ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हम दो तीन चार, और देखिए 15, हमने 15 चेन बनाई हैं। और देखिए पहले तीन चेन को हम स्किप करेंगे, एक दो और तीन, तीन चेन को स्किप करने के बाद चौथी चेन में जा कर के एक डबल क्रोशिया करेंगे, इसी में फिर से, इसी में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हमने टोटल तीन डबल क्रोशिया किए हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से इसमें तीन डबल क्रोशिया करेंगे, हमें हर एक चेन में तीन तीन डबल क्रोशिया करनी है। देखिए ऐसे इसके नेक्स्ट गए, इसमें भी हमें तीन बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए हर एक चेन में हमें, हमने 15 चेन बनाई, तीन चेन स्किप कर दी, तो हमारे पास बची 12, 12 चेनों में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरीके से हर एक चेन में तीन बार डबल क्रोशिया, तो ये मैं बना लेती हूँ यहाँ तक, यहाँ पे आने के बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने 15 चेन बनाई थी, तीन चेन स्किप करी तो 12 बची, तो देखिए एक दो, हर एक चेन में हमने तीन तीन बनाए हैं, तीन चार पाँच छः 7 और देखिए 8 9 और ये 10, तो 10 चेनों में हम बना चुके। और देखिए हमारी ये लास्ट चेन बची है, ये लास्ट चेन है, इसमें भी हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, देखिए तीन बार हमने यहाँ पे बनाया, और अब हम यहाँ पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन करेंगे, फिर से एक दो तीन चार, चार चेन बनाई और यहाँ पर जा कर के सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ पे भी 15 चेन बनाएंगे, तीन चार पाँच 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
देखिए 15 चेन नहीं, फर्स्ट तीन चेनों को स्किप करेंगे। देखिए पहली जो तीन चेन है, एक दो तीन, तीन चेन स्किप करेंगे। चौथी चेन में एक ही चेन में तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया है सेम वैसे ही करना है। हर एक चेन में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। 15 चेन बना दी हैं, तीन चेन स्किप कर दें तो 12 चेन बची। 12 चेन में हमें तीन तीन बार डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने बना लिया 12 चेन में तीन तीन डबल क्रोशिया हर एक चेन में। और देखिए यहाँ पर जो हमारा एक वी था, इसमें जो सिंगल क्रोशिया था उसमें ऐसे जा करके बैक साइड से ही करेंगे। ये वैसे किया, यहाँ पे भी हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, चार चेन नहीं, और यहाँ पे जा करके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। और फिर इसी को फिर से हम रिपीट करेंगे। तो देखिए ये फ्लावर्स जो है इस तरीके से बनेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ये ऐसे बनाया है। देखिए इसको ऐसे गोल गोल इस तरीके से करते हुए जाएंगे। ये हमें यहाँ पे फिक्स कर लेने हैं ग्रीन वाली पत्ती के ऊपर। देखिए ऐसे इसको भी हम करेंगे, सीधा है ये ऐसे घुमाते हुए। देखिए ऐसे, तो इस तरीके से हम इन फ्लावर्स को बनाएंगे। और यहाँ पर एक मोती लगा करके, देखिए ये गोल्डन कलर का मोती है, जैसा भी आपके पास हो वैसा लगा करके। और सुई धागे से हम ये मोती जब टक करेंगे तो इसको लगा के भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा यहाँ पे लीफ के ऊपर ही सिक्योर हो जाए, तो ये फिर खुलेगा नहीं, वरना भी खुलेगा ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट हो गया है। और देखिए मैंने ये छोटे छोटे गोल्डन कलर के मोती लगाए हैं, आप चाहें तो बड़े बड़े लगाइएगा। बड़े छोटे क्या मतलब, 6 नंबर के हैं ये। कंप्लीट हो गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे जा करके देखिए स्लिप स्टिच करके जॉइन करके एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमें कैसे बनाना है, ये दो फूल रह गए हैं अभी। देखिए इसको ऐसे खोल करके पूरा ऐसे किया हमने सुई में। मैंने देखिए येलो कलर का ही धागा लिया हुआ है, और यहाँ तक नीचे तक लेके गए अच्छे से। दो तीन बार हम इसको सुई धागे से टक कर लेंगे। सिंपल से ही सीधे सीधे टांके लगा देने हैं, बस बस ये खुले ना ऐसे। यहाँ पे गए, देखिए ये तो 6 नंबर का मोती है और ये मेरे पास 10 नंबर का मोती है। तो ये देखिए थोड़ा बड़ा पड़ रहा था इसलिए मैंने ये लगाया नहीं, इतना बड़ा लगा सकती थी वैसे इसे भी, लेकिन मैंने ये 6 नंबर वाले लगाए। अगर आपके पास 8 नंबर के मोती हो तो आप वो लगाइएगा, वो थोड़े ज़्यादा सही दिखेंगे। मतलब मेरे पास बीच का नहीं था, एक ये है और 10 नंबर का है, तो बड़ा हो रहा था तो फिर मैंने ये लगा लिए। देखिए इस तरीके से अंदर चला जा रहा है ना, थोड़ा बड़ा होता तो ऐसे रहता। बस इस तरीके से सिंपल से दो तीन टांके लगा करके ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे एक दो बार टांके करके इस तरीके से करके 10 को कट कर लेंगे। देखिए ऐसे लग रहे हैं हमारे, तो ये मैं इस पर एक और रह गया है इस पर लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये मैंने मोती तो सभी में लगा दिए, थोड़े कम दिख रहे हैं आपको, थोड़े छोटे हैं ये। अब देखिए मैं यहाँ पे जो चोली है इस पर किनारी बना लेती हूँ येलो कलर से। तो ये मैंने काफ़ी बार बना के दिखाई हुई है, कुछ नहीं है इसमें, कई सारी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। बस सिंगल क्रोशिया करते हुए देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल क्रोशिया करती हुई जाऊँगी मैं। देखिए हर एक उसमें
बस इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करेंगे हम एक में दो बार। जब कॉर्नर पे आएंगे, देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हम चार बार करेंगे, दो साइड, दो इस तरफ के लिए, फिर दो चेन बनाएंगे और दो इस तरफ के लिए, इतना ही करेंगे। बस मैं ये कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कॉर्नर पे आ गई मैं, दो सिंगल क्रोशिया किए। अब मैं यहाँ पर दो चेन बनाऊंगी, फिर से इसी में दो बार सिंगल क्रोशिया फिर से कर दूंगी। तो हमने ये जो दो चेन बनाई है इससे ये देखिए राउंड शेप ले लेगी, गले की तरफ मुड़ गई। अब देखिए एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में यहाँ पर, यहाँ पे दो करूँगी, इसी तरीके से करते हुए जाऊँगी मैं, ये कर लेती हूँ कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों हमारी ये किनारी बन करके तैयार हो गई है। और अब देखिए मैं एक काम और करूँगी, अभी मैं इस पर ये देखिए गोल्डन कलर के इस तरीके से, और देखिए बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ ऐसी दिख रही है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कैसी लग रही है आपको। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।